अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। हकीम मोहम्मद मुश्ताक आप हज़रात की खिदमत में आज फिर से हाजिर है। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे नुस्खे के बारे में कि जो आपके पेट के तमाम अमराज के लिए बहुत ही कामयाब है, लेकिन ख़ास तौर से अगरचे आपके पेट में वर्म है जिसको पेट के कीड़े कहते हैं, बच्चों को होते हैं, बच्चियों को हो जाते हैं, बड़े हजरात को भी होते हैं, तो उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा है। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं और कोई भी आपको टैबलेट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इंशाल्लाह देसी नुस्खा है, आप अगर चाहे यकीन एतमाद के साथ में करें तो इसको आप रात में लेते ही सुबह आपके अंदर एक फ़र्क और चेंजेस नज़र आएगा और आपको इन पेट के कीड़ों से राहत मिल जाएगी। और इसके अलावा अगर चाहे आपके आँतों के ऊपर छाले हैं, आँतों में ज़ख़म है, इंशाल्लाह उसको भी ये साफ़ करने का काम करता है और उसको ठीक करने का काम करता है। तो वो कौन सा नुस्खा है, वो कौन से इंग्रेडिएंट्स है जो आपको लेकर घर पर बनाना है, ये सारी जानकारी देने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं और अब तक के आपने उसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब भी कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। तो व्यूवर्स, सबसे पहले आपको शुद्ध हल्दी लेना है। अब शुद्ध क्या चीज़ है, इसको प्योर कहते हैं, शुद्ध यानी प्योर। आप हल्दी लेकर पिसवा लें, बाजारू पैकेट की और खुली ना लें क्योंकि इसमें मिलावट आती है। एक आप जो है तो घर के लिए पिसवाते होंगे तो उसमें से 2 चम्मच हल्दी का ले लें और उसमें 3 चम्मच हनी ऐड कर दें, शहद ऐड कर दें, उसको अच्छे तरीके से फेंट लें, इसका एक माजून सा बन जाएगा। अब आपको करना क्या है, रात में सोते समय 1/2 चम्मच आप ले लें और लेकर इसको खा लें, इसके ऊपर थोड़ा हल्का सा पानी पी लें और सो जाएं। ये जिन हजरात को बार बार की प्रॉब्लम होती है ये रोज़ाना सिर्फ 7 दिन लें। जो बच्चों को वक्ती तौर पे प्रॉब्लम होती है ज़्यादा मीठा खाने की वजह से, आँतों में सड़न होने की वजह से, कब्जियत होने की वजह से, लैट्रिन रुकने की वजह से, बहुत सारी इसकी वजूहत है, तो उनको 1/2 चम्मच उनको भी दे सकते हैं आप। लेकिन जो एकदम छोटे बच्चे हैं जो 2 साल के हैं, 1/2 चम्मच से थोड़ा कम दें, और जो 7 साल, 8 साल, 9 साल वाले हैं उनको 1/2 चम्मच फुल दें, और जो बड़े हजरात हैं 60 साल, 70 साल वाले, 50 साल वाले, 30 साल वाले, उनको फुल 1 चम्मच भी आप रात में चटा सकते हैं। तो इंशाल्लाह इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। बहुत सारे ऐसे मरीज़ होते हैं, बहुत सारे ऐसे हजरात हैं कि जिनको ऊपर से अतड़ियों से लेकर मुंह तक छाले आ जाते हैं, जिसको अल्सर भी कहते हैं, और फिर वो इन्फेक्शन पैदा करने लगते हैं, तो मरीज़ कुछ कोई भी चीज़ को खा ही नहीं पाता है, तो ऐसे हजरात को भी दे सकते हैं। फिर दूसरी वीडियो में आपके सामने हाजिर होंगे एक नए देसी नुस्खे के साथ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।